ढहते विश्वास इसके लेखक सात कोरी होता है। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। यह कहानी उड़िया भाषा में लिखी हुई थी, जिसके हिंदी रूपांतर करने वाले राजेंद्र प्रसाद मिश्र थे। किसी गांव के एक घर में लक्ष्मी नाम की एक औरत रहती थी, जिसके पति का नाम लक्ष्मण था। इनके चार बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम अच्युत था। इनकी दो बेटियां थीं और एक साल का एक छोटा लड़का था। लक्ष्मण कोलकाता में मजदूरी करता था। मजदूरी करने से उसके घर का खर्चा नहीं चल पाता था, इसलिए लक्ष्मी गांव में तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी। इनके पूर्वज के एक बीघा जमीन थे, जिस पर लक्ष्मी और उसका बड़ा बेटा अच्युत मिलकर खेती करते थे। लक्ष्मी के घर के ऊपर देवी बांध तथा उसके घर के कुछ दूरी पर एक और बांध थे, देलही बांध, जिससे हर साल बाढ़ आता था, और थोड़ा आगे जाने पर एक और बांध पड़ता है जिसका नाम हीराकुंड बांध था। यह महानदी पर स्थित था। हीराकुंड बांध से हमेशा बाढ़ आने की शंका लगी रहती थी। उस गांव में तीन बांध थे। लक्ष्मी जब लक्ष्मण से शादी करने के बाद गांव आई थी, तो उस दिन बाढ़ गांव में बहुत तूफान आया हुआ था, जिससे लक्ष्मी के घर का करकट उड़ गया था। तूफान रुकने के कुछ दिन बाद उसके ससुर, जो हीराकुंड बांध पर काम कर रहे थे, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। पत्थर के नीचे दब जाने से उनके मृत्यु हो जाती है। बाद में लक्ष्मण कोलकाता चला जाता है। उस समय लक्ष्मी ने खेत में धान के बीए डाले। उन्होंने कुछ दिनों के बाद सुखाड़ पड़ गया, जिसके कारण धान के बीए सूख गए, और धान के बिया बिना पानी के सूख गए। कुछ दिनों के बाद भारी वर्षा हुई। अधिक वर्षा होने के कारण दलही बांध पूरी भर गया था और हीराकुंड बांध से बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा था। गांव में पंचायत बुलाई गई। वहां एक पढ़ा लिखा लड़का था, गुणनिधि। गुणनिधि ने कहा कि मैंने कई बार हीराकुंड बांध पर काम किया है, तो मैं बाढ़ रोकने के लिए कुछ कर सकता हूं। तो गुणनिधि ने एक संगठन बनाया, जिसका नाम स्वयंसेवक रखा गया, जिसमें लोग अपनी इच्छा से अपना सहयोग करेंगे। उसी में लक्ष्मी के बड़े बेटे अच्युत ने भी सहयोग करने के लिए जुट गया। गुणनिधि ने कहा कि हम बाढ़ को पूरी तरह से तो नहीं रोक सकते, लेकिन रोकने का प्रयास तो कर सकते हैं। इस संगठन ने दलही बांध पर बांध को मजबूत करने में लगे। कुछ दिन बाद तो बाढ़ को रोका जाए, लेकिन हर क्षण पानी बढ़ते जा रही थी। गांव के सरपंच साहब ने बोल रखा था कि जब पानी अधिक हो जाए, बढ़ जाए, तो गुणनिधि तुम मुझे सूचना देना। तो गुणनिधि जल्दी से भागता भागता सरपंच साहब के पास पहुंचता है और कहा, सरपंच साहब, बाढ़ का पानी किसी भी समय गांव में प्रवेश कर सकता है। तो सरपंच साहब ने कहा कि पूरे गांव में जाकर बता दो कि जल्दी जल्दी गांव खाली करें, कभी भी बाढ़ आ सकती है। तो गुणनिधि जल्दी जल्दी गांव में जाकर बोलने लगा, भागो भागो, बाढ़ आ रहा है।
तो सब लोग जल्दी जल्दी भागने लगे। लक्ष्मी ने जब यह सुना तो वह सोचने लगी कि मैं भागूं लेकिन पहले मेरा बेटा अच्युत तो आ जाए। तो लक्ष्मी ने जल्दी से बकरी और भैंस को खोल दिया जिससे वह भाग गई। तभी लक्ष्मी को एक आवाज़ सुनाई दी, माँ माँ। तो लक्ष्मी अपने एक साल के बेटे को और दोनों बेटियों को लेकर भागने शुरू कर दिया और हर बारी उसकी पैर फिसलते जाता। वह अपनी बेटियों को कहती कि तुम आगे भागो। तो दोनों बेटी भागकर एक ऊंचे टीले पर चढ़ जाती है। इस टीले के पास एक मंदिर है जिसका नाम है चंडेश्वरी माता का। ये मंदिर है और लोगों को चंडेश्वरी माता पर बहुत भरोसा होता है कि चंडेश्वरी माँ हमें बचाएगी। इसी चंडेश्वरी माँ के मंदिर के पास मेला भी लगा करता था। लक्ष्मी भागते भागते एक पेड़ के नीचे पहुंचती है, तब तक बाढ़ आ जाता है और लक्ष्मी के गर्दन तक पानी भर जाता है। तभी लक्ष्मी अपने एक साल के बेटे को एक हाथ में उठा लेती है और पेड़ पर चढ़ जाती है। वह पेड़ बरगद का होता है। पेड़ पर चढ़ने के बाद वह बेहोश हो जाती है। बाढ़ से बचने के लिए कुछ लोग स्कूल के छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन छत पर भी घुटने भर पानी हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। अगले दिन जब लक्ष्मी को होश आता है तो वह अपनी आसपास देखकर हैरान हो जाती है। जिधर देखो उधर मरे हुए लोग का शव डूबते दिखाई देते हैं। लक्ष्मी अपने एक साल के बेटे को ढूंढने लगती है। वह कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसे एक बेटे के जैसा कोई और छोटा लड़का मरा हुआ डूबता दिखाई देता है। वह उसे पकड़ लेती है और अपना दूध पिलाने लगती है और उसका बेटा अच्युत भी उसे नहीं मिल पाता है। बहुत साल पहले भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनाया था। इस बाढ़ की वजह से लोगों का माता चंडेश्वरी पर से विश्वास ढह गया था, इसीलिए इस पाठ का नाम ढहते विश्वास रखा गया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर यू वॉचिंग।